कराची में हंगामी सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक। सिंध और कराची को दरपेश मसाइल का पूरा इदराक है। इमरान खान ने मुराद अली शाह को मुकम्मल तआवुन की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद पर मिल बैठ कर प्लान बनाएंगे और चेहरे कायद के बासियों को मुश्किल से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कराची में विफाकी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। विफाकी वज़रा असद उमर, मुराद सईद, सीनियर अफसरान शरीक हुए। गवर्नर सिंध वीडियो लिंक पर शरीक थे। इजलास में सिंध कराची में विफाकी मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को कराची की ताज़ा सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा, सिंध कराची के आवाम की तरक्याती जरूरियात मसाइल का इदराक है। विफाकी हुकूमत इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। कराची में जामे प्लान स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तश्कील दिया जा रहा है। कराची के लिए सेवरेज, निकासी आब, साफ पानी का जामे प्लान बनाया जा रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा की कराची के आवाम को रिलीफ देने के लिए विफाकी इदारों को हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला सिंध से कराची में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। विफाक और इदारों की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई है। कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। कराची में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में अबतर सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अगले हफ्ते शहर कायद आने का कहा है। सिंध में वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठ कर प्लान बनाएंगे।